26 देखिए, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एबी पर पी है और एसी पर क्यू है और सभी भुजाएं दी हुई हैं जो भी है, तो कौन सा कथन इसमें सत्य है ये आपको बताना है। तो मैं अगर यहाँ पे अनुपात निकालू, देख लो, अगर मैं यहाँ पे एपी बटा में एबी निकालू, ठीक है, एपी बटा में एबी पूरा लिया हूं, तो 2/6 लिखोगे, 2/6 लिखोगे, 1/3 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ ए क्यू बटा में ए सी लिखूं तो यह 3/9 लोगे, इन दोनों को जोड़ के ना लिखेंगे ए सी की जगह पे, तो यह भी आपका 1/3। तो इनके संगत भुजाओं यहाँ पे अनुपात यह बराबर हो जा रहा है, यानी देखो अनुपात बराबर हो जा रहा है, तो एक तो यह समांतर हो जाएंगे और यह त्रिभुज जो होंगे ना, यह त्रिभुज समरूप भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्योंकि यह अनुपात बराबर यानी कि यह इसके समांतर हो गया, या इतना बटा इतना तेल्स प्रमेय से ये समांतर हो गया, समांतर हो गया तो त्रिभुज ये ए पी क्यू समरूप हो जाएगा ए बी सी के, और समरूप हो जाएगा तो इनके संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होगा, यानी कि पी क्यू बटा में बी सी इसके हम लोग ले सकते हैं ए पी बटा में ए बी के अनुपात के बराबर, तो 1/3 आया है, तो पी क्यू बटा बी सी बराबर में 1/3 रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी बराबर 3 पी क्यू हो जाएगा। चलिए 27 नंबर।